फिरोजाबाद में इटावा के जसवंत नगर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की हत्या की सुपारी देने वाले को उसके साथियों सहित जनपद फिरोजाबाद पुलिस ने दबोच लिया। हत्यारे ने अपना नाम रिंकू यादव बताया। फिरोजाबाद पुलिस ने रिंकू यादव के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है और अपराधी ने कई हत्याओं के खुलासे भी किए हैं। पूरा मामला इटावा में जसवंत नगर के ब्लॉक प्रमुख ब्रिजेश यादव, जो 35 साल से लगातार ब्लॉक प्रमुख रहे, जिनकी हत्या करने वाले कुख्यात अपराधी रिंकू यादव को फिरोजाबाद पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। एक अंतर जनपदीय सुपारी किलर गैंग का सरगना समेत दो लोगों को हमारी फिरोजाबाद पुलिस की रामगढ़ थाना और क्राइम ब्रांच ने इसको आज तड़के गिरफ्तार किया है। ये तीनों बहुत ही शातिर अपराधी हैं। इनका सरगना रिंकू यादव एक सुपारी किलर है, जिसने 4 से ज़्यादा हत्याओं का करना कबूला है। साथ ही साथ इसके खिलाफ तकरीबन 2 दर्जन अपराध फिरोजाबाद और आसपास के जनपदों में रजिस्टर्ड पाए गए हैं। ये रिंकू यादव वही रिंकू यादव है जो कुछ महीने पहले जसवंत नगर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव की हत्या का सुपारी लिया था, जिसके 4 सदस्यों को उस वक्त जेल भेजा गया था या भागने में फरार हो गया था, सफल हो गया था। इसके कुल 8 सदस्य हैं गैंग में। इन्हीं गैंग के 5 सदस्यों को फिरोजाबाद पुलिस ने कल गिरफ्तार करके जेल भेजा है, जो संजय अग्रवाल सीमेंट व्यापारी आगरा के यहाँ डकैती डालने की योजना बना रहे थे। जो ये गैंग पकड़ा गया है, उसके कब्जे से 3 अवैध तमंचे, 3 खोखा कारतूस और 1 दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये रिंकू यादव का गैंग है, जिसके 2 साथी भी इसके साथ आपने देखा गिरफ्तार करके जेल जा रहे हैं। ये 2 साथी वो लोग हैं जो 50,000 की नामिया पंकज उर्फ भोला जाट को 27 मई 2015 को थाना टुंडला क्षेत्र से पुलिस अभिरक्षा से फरार किए जाने में मदद किया था। तो ये पूरा एक शातिर गैंग है और इसमें रिंकू यादव पे 15,000 रुपये का इनाम भी आगरा जोन के द्वारा घोषित किया जा चुका है। इन तीनों बड़े शातिर अपराधियों को आज गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया। घटना को किस तरीके से अंजाम दिया करते हैं? ये मुख्यतः सुपारी लेते थे हत्याओं का, इसके अलावा बड़ी डकैती लूट करके धन उपार्जन करते थे। रिंकू यादव मुख्यतः 50,000 रुपये से 20 लाख तक की सुपारी लेता था। अभी जैसा कि मैंने बताया, ब्रजेश यादव की हत्या का सुपारी लिया था, जिसके मंसूबों को हमारी फिरोजाबाद पुलिस ने नाकाम कर दिया था। इसी प्रकार से करीब 60 लाख रुपए डकैती की योजना बनाई थी, जिसको कल फिरोजाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करके इस योजना पे भी इनके पानी फेर दिया था। ये 8 लोगों का गैंग है। अब इसके बाद इन पे गैंगस्टर की कार्यवाही होगी और इस गैंग को अंतर जनपदीय गैंग के रूप में रजिस्टर कराया जाएगा। सर, ये मुजरिम कहाँ से गिरफ्तार किए गए सर? ये थाना रामगढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम शैलेंद्र यादव और नीरज मिश्रा के नेतृत्व में इसको आज हम लोगों ने रामगढ़ थाना क्षेत्र से 4:30 बजे के आसपास गिरफ्तार किया है।